CUET 2022 की एडमिट कार्ड अब कब आएगी? आपके पास एग्जाम की डेट्स तो आ चुकी है, कल रात को ही मैंने अपडेट कर दिया था जिसमें बहुत अच्छी रिस्पांस है। अब बात आती है एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपके लिए क्यों ज्यादा जरूरी है इस बात को समझो। एडमिट कार्ड में आपको दो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर वन, आपको आपकी सेंटर के बारे में पता चलेगी कि आपकी सेंटर कहां पे है, किस लोकेशन में आपको जाके एग्जाम देना है। एंड नंबर टू चीज की आपको आपकी एग्जाम की डेट पता चलेगी। आपको पता है कि CUET की एग्जाम जो ये बहुत दिन चलने वाली है एंड इसकी जो एग्जाम है ये जुलाई एंड अगस्त दोनों महीने चलेगी, तो आपको कौन से महीने में किस डेट को आपकी एग्जाम है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगी। तो आपको सीधा सीधा यहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी आपकी जो डेट है एग्जाम की, जो जिस भी डेट को आपकी एग्जाम होगी उसके ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन पहले का आपको वक्त दिया जाएगा सेंटर पे पहुंचने का। मतलब आपके पास 10 से 15 दिन मिनिमम टाइम रहेगा ही, मतलब जिस पे आप अपने सेंटर पे जा सकते हो, तो वो चीज आपको अपनी एडमिट कार्ड में लिखा होगी। तो मान के चलो अगर 10 से 15 दिन CUET का हम पकड़ ले अप्रॉक्सीमेटली, तो आपके इस महीने के एंड तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड रहेगी CUET की, जहां पे आपकी दोनों इंपॉर्टेंट डिटेल लिखी होगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस महीने के एंड तक आपके पास CUET की एडमिट कार्ड आ जाएगी, क्योंकि 15 तारीख से तो CUET की एग्जाम है ही ना भैया। तो 15 दिन पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका सेंटर कहां है, आपका डेट कहां है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से बस इस महीने का इंतजार करो, उसके बाद आपके हाथ में एडमिट कार्ड होगी। जो भी अपडेट्स आएगी तुम्हारा भाई खुद तुम्हें चैनल पर डाल के बताएगा एंड एक्सप्लेन भी करेगा बहुत ही कम ड्यूरेशन में। तो चैनल को बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, बहुत नजदीक हम लोग 50K के, प्लीज थोड़ी सी सपोर्ट है कर दो। आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो।